हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ाएंगे एटीपी मेटाबॉलिज्म। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से होता है एडेनोसिन, टी से होता है ट्राई, पी से होता है फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। मेनली एनर्जी ट्रांसफ़र, सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी ह्यूमन के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना पॉसिबल नहीं है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मेनली दो तरह का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है? मिली एक बड़ा मॉलिक्यूल दूध का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलते हैं। एनाबॉलिक में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल में बदलता है। इसका क्या मतलब है कि कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है और एनाबॉलिक में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया है पिक्चर में। मिली क्या होता है एनाबॉलिक में? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन करना है एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का। लेकिन कैटाबॉलिक में क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल तो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनाबॉलिक में क्या होता है? तो इसमें एटीपी एनर्जी यूज करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मेनली कहाँ कहाँ पे होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपाउंड। और ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये कहाँ कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब ये जो फॉस्फेट मेनली रिलीज होता है तो वो क्या में काम करता है? तो एनर्जी को कैप्चर और ट्रांसफ़र करने में काम करता है। तो ये जो टर्म पी है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए एटीपी से क्या बना है? एडीपी और फॉस्फेट बना। तो ये जो पी है ना, ये इंडिकेट करता है कि कौन सा ग्रुप अटैच हुआ, मतलब पी है मतलब कि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, और इसी से मिली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। फॉस्फाजिन, फॉस्फाजिन क्या है? ये एक स्टोरेज फॉर्म है हाई एनर्जी फॉस्फेट का। मेनली इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट भी यूज होता है, इंक्लूड होता है। देखिए यहाँ पे फॉस्फाजिन मेटाबॉलिज्म में क्या है? एक एटीपी से एडीपी बन रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, मेनली रेस टाइम में। और उसमें क्या हो रहा है? जब एटीपी से एडीपी बन रहा है उस समय क्रिएटिन क्या बन रहा है? क्रिएटिन पी फॉस्फेट। कैसे? तो देखिए ये जो पी है वो इसके द्वारा यूज कर दिया गया है, तो ये बन गया है क्रिएटिन फॉस्फेट। लेकिन जब एक्सरसाइज के समय क्या होता है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो एडीपी मिल के बन जाता है एटीपी, और उसमें क्या होता है? क्रिएटिन फॉस्फेट दूध के क्रिएटिन प्लस एक फॉस्फोरस को निकाल देता है। इस तरह फॉस्फाजीन सिस्टम चलता है। एटीपी क्या है? तो ये एक सिंपल हाइड्रोलाइसिस से भी तो एनर्जी मिलता है, लेकिन सिंपल हाइड्रोलाइसिस में उतना एनर्जी नहीं मिलता जितना एटीपी में मिलता है। जैसे कि देखिए ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनना, ये बिना एटीपी के टूटे पॉसिबल नहीं है। जैसे ग्लूटामेट एग्जांपल है, एक सिंपल ग्लूटामेट से इंजाइम बॉन्ड ग्लूटामिल फॉस्फेट बनना, इसमें भी बिना एटीपी का ये नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कोई भी मेटाबॉलिज्म में एटीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एटीपी टूटता है एडीपी में, तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या टूटेगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, आगे पढ़ाऊँगी, टेंशन ले लीजिए। जिसमें मिली ये जो होता है ना डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस से मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और डीएनए में इंजाइम का मूवमेंट में, और एमआरएनए में राइबोसोम के मूवमेंट में मिली हेल
हेल्पफुल होता है। स्ट्रक्चर तो एटीपी में एक राइबोज पेंटोज शुगर होते हैं, एडिनिन ग्रुप होता है जो मेनली नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस में भी ये किसका है तो प्यूरीन का है। कैसे याद करवाया था मैंने वीडियो में, कोड था पूजा, ठीक है। भगवान पूजा हमेशा दो भगवान का करते हैं तो दो रिंग है, तो इससे भी पता चल गया कि प्यूरीन का है, और इसमें ग्वानिन और एडेनिन रहता है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तीन है इसलिए ट्राईफॉस्फेट कहा जाता है। और यह स्टेबल मिली किस को फैक्टर के प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम। यही मान लीजिए कि अगर इसका एक फॉस्फेट हटा दे तो क्या कहलाया जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। दो फॉस्फेट को तोड़ दे तो क्या कहलाया जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अभी वही यहाँ पे लिखा है, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोलाइसिस से तो -32 किलो जूल पर मोल क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब एटीपी डायरेक्ट मोनोफॉस्फेट में मतलब कि दो फॉस्फेट ग्रुप निकालता है तो कितना एनर्जी रिलीज करता है, -45 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेनली पहला फॉस्फेट है उसको अल्फा कहा गया है, दूसरा फॉस्फेट को बीटा और लास्ट वाला फॉस्फेट को गामा कहा गया है। तो मेनली इसमें देखिए लिंकेज को भी कह सकते हैं, ये अल्फा लिंकेज, बीटा लिंकेज और डेल्टा लिंकेज, गामा लिंकेज। गामा लिंकेज जब टूटता है तो 32 किलो जूल पर मोल क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब बीटा टूटेगा तो -45 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगा, मतलब ये कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आप सोच सकते हैं। लेकिन जब एएमपी टूटेगा एडिनोसिन और फॉस्फेट में तो बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो एटीपी है वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये ब्रेक डाउन होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अभी होता कैसे है, तो ये तो फॉस्फोजिन प्रोसेस पहले ही बता दिए थे, ठीक है। मेनली देखिए क्या कह रहा है कि ये जो फॉस्फेट है ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, और ये फॉस्फेट कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, क्रेटीन फॉस्फेट से क्रेटीन का बनना, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फेट निकल रहा है। तो ये मेनली ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1,6-बाई फॉस्फेट में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये फॉस्फेट निकल रहा है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम में फॉस्फोइनाइल परिवेत 1,3-बाई फॉस्फोग्लाइसरेट ऑक्सीडेशन फॉस्फराइजेशन में मेनली यूज होता है। तो इधर वाला जो है ना, ये वाला, ये मेनली एडीपी से एटीपी बनता है, और इधर वाला में एटीपी से एडीपी बनता है। आप खुद ही याद कीजिए वो प्रोसेस, जब आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे तब आपको ये सब प्रोसेस देखने को मिलेगा। टेंशन नहीं लीजिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिए, ये अभी नीचे सारा क्लियर होगा, तो अभी आप इस स्लाइड को भूल जाइए। देखिए मेनली क्या होता है, आप जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखे होंगे तो इसमें देखे होंगे सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता था, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पाइरूवेट बनता था, ठीक है। उसके बाद ये पाइरूवेट चेंज हो जाता था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये चला जाता था क्रेव साइकिल में अगर ऑक्सीजन मिले तो। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, मेनली ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने में एटीपी का प्रोडक्शन होता था, एनएडीएच का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। क्रेव साइकिल में मेनली क्या क्या का प्रोडक्शन होता था, एटीपी, एफएडीएच2 और एनएडीएच2, ठीक है। जो एटीपी का डायरेक्ट प्रोडक्शन हो गया
तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारा NADH FADH मिला है, इसको तो हमें ATP में बदलना होगा। तो ATP में बदलने के लिए हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक ग्लूकोज को मेनली पूरी तरह एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, दूसरा क्रेव्स साइकिल और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए पिक्चर में देखते हैं। देखें ग्लूकोज से पाइरूवेट बना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, इसमें जो ATP प्रोड्यूस हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन से, उसको एनर्जी में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो NADH प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन से, इसको हमको ATP में चेंज करने के लिए कहाँ भेजना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब यहाँ से ये चेंज हो जाएगा क्या में, तो हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो ATP मिला वो चला जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन में, ये मिली साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन जो NADH मिलता है वो चला जाता है ETC चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन के लिए। फिर ये पाइरूवेट चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेव्स साइकिल होते हैं, क्रेव्स साइकिल में जो ATP मिलता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन, और जो NADH और FADH होता है वो चला जाता है कहाँ पर, तो इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में, वही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट लेने। और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन के थ्रू ATP का प्रोडक्शन होता है। तो मेनली ATP का प्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन से ATP का प्रोडक्शन होता है। ये मेनली टोटल 3 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में और 1 स्टेप क्रेव्स साइकिल में, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन से मेनली ATP मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद। तो पुराने थ्योरी के अनुसार एक NADH में 3 ATP मिलता है, लेकिन नए थ्योरी के अनुसार 2.5 ATP मिलता है। एक FADH में पुराने थ्योरी के अनुसार 2 ATP मिलता है, लेकिन अब नए थ्योरी के अनुसार 1.5 ATP मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब वो ओल्ड कंसेप्ट कहेगा तो ओल्ड कंसेप्ट, और न्यू कंसेप्ट कहेगा तो न्यू कंसेप्ट से हम ATP का प्रोडक्शन कर लेंगे। देखिए ये आ गया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, तो मैंने क्या कहा था 2 स्टेप में ATP डायरेक्ट मिलता है, तो 1 स्टेप कहाँ गया, 1 स्टेप यहाँ है और 1 स्टेप यहाँ पर है और 1 स्टेप यहाँ पर है। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 1 स्टेप ये है और 1 स्टेप ये है। इन दोनों स्टेप को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ADP ATP में फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब आप ऊपर देखिएगा, ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ATP यूज हो रहा है और ADP में कन्वर्ट हो रहा था। ये दोनों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन कहाँ है, देखिए NAD+ से NADH का बनना, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेव्स साइकिल में जब देखें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो सक्सिनेल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट का बनना, फॉस्फोइनाइल पाइरूवेट से पाइरूवेट का बनना, और 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate बनना, ये तीनों सबस्ट्रेट लेवल का एग्जाम्पल है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन का, तो अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-bisphosphoglycerate
ग्लाइसरेट का बनना, मालेट से ऑक्जेलो एसिटेट का बनना, और सक्सिनेट से फ्यूमरेट का बनना, और क्या अल्फा की तो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का बनना, और आइसोसिट्रेट से अल्फा की तो ग्लूटारिक एसिड का बनना। इतना में मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फराइजेशन होता है। तो मेनली क्वेश्चन आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फराइजेशन पे आएंगे, क्योंकि वो बहुत कम हो रहा है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करूँगी। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।